फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शीशा भट्ट। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है नवमी, फाइनली आज मेरा लास्ट फास्ट है और हैप्पी नवरात्रा वंस अगेन। और आज है नवमी, अभी बज रही है 6। आपको बता देती हूँ यहाँ पे वो 6 उल्टी वॉच देखने पे अभी बज रही है 6। और मैं अब करने वाली, पहले सफाई करती हूँ फिर खाने की तैयारी, क्योंकि आज कंजका जिमानी है। कंजका कन्या को खिलाना है आज, और माता जी को भी अपने स्थान से खिसकाना है। तो गला सुबह सुबह ऐसे ही चौक होता है यार, आँखें भी ऐसे ही लग रही होगी। तुम लोगों को कमेंट मत कर देना इस चीज़ पे। और अब जल्दी जल्दी काम करती हूँ। शशांक चले गए हैं, शशांक ऑफिस चले गए, वो 5:50 पे चले जाते हैं और 8:30 तक वापस आ जाते हैं, 8:30 तक वापस आ जाते हैं वो। अब बाहर पता है लिटरली अंधेरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हल्का फुल्का ठंड होने लग गई है, हल्की हल्की सी ठंड होने लग गई है। बाहर अभी भी अंधेरा है। तो अब मैं सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ, देन खाना बनाऊँगी, क्योंकि पहले सफाई करते हुए जगह की, फिर खाना बनाऊँगी, फिर माता जी की पूजा हो जाए, फिर कन्या बुलानी है, कन्या खिलानी है, बहुत सारे काम है। ओके, वो बाय। प्लांटिंग भी बता देती हूँ मैंने किस तरीके से कर रखी। वैसे बता, मुझे एक मनी प्लांट भी लगाना है, हालांकि ऊपर बहुत सारा लगा हुआ है, ऊपर का मैंने आपको बताया नहीं ना काफ़ी टाइम से। जब मैं माता जी के लिए फूल लेने जाऊँगी ना, तब बताऊँगी आपको। मैं सोच रही हूँ, ये ऐसे में ना सेम ऐसा पोर्ट एक और है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ उसको इस तरफ लगाऊँ और यहाँ से बेल मनी प्लांट की इसके सपोर्ट में ऊपर ले जाऊँ, और ये वाला पोर्ट ना वहाँ पे रखने की सोच रही हूँ, वहाँ ऊपर, वहाँ पे, और एक ऑरेंज और यहाँ। तो ये काफ़ी क्लासी लगेगा। चलो मैं अभी बाद में बातें करूँगी आप लोगों से, अभी मैं जाती हूँ। यहाँ मेरी हो चुकी है किचन की सफाई। मैं आपको नहीं बता सकी क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज था, तो मैंने चार्ज पे लगा दिया। और ये रख ली है मैंने काले चने, और भूख के लिए काले चने, सूजी का हलवा और पूरी बनती है। पर मैंने सूजी का हलवा स्किप कर काले चने, पूरी और खीर बनाऊँगी, क्योंकि खीर अमूमन बच्चों को पसंद भी है। चलो आज आप लोगों के सबके ये मीशो की दूध की बोतल है, जो 1 लीटर दूध आता है, 1 लीटर सुबह, 1 लीटर शाम को। और ओ, ये गाय के लिए मेरा हैंड्स वाला, ये ना गाय के लिए होता है। मैं व्रत खोलती हूँ ना, तो उसमें रखती हूँ। ये कल किसी का भंडारा था, ऊपर खुशबू रहती है ना, उसकी फैमिली ने कराया था, तो उसका प्रसाद है। अब व्रत था तो मैं खा नहीं सकती, मिशी का शशांक ने कम खाया, अब मैं इसको कल खाऊंगी। तो ये है हमारे गाय के लिए। तो अब चलते हैं। और ये झाड़ू भी लाकर रखा हुआ है, मैंने कहा दूध लेकर आते से ही सफाई करना स्टार्ट करूंगी। ये रही हमारी कैटल। है ना, मैं ये लॉक करके जाती हूँ घर, क्योंकि मिशिका का भरोसा नहीं है, वो जग जाती है। वाओ, काफ़ी लाइट हो गई, मैं को लाइट बंद करनी पड़ेगी। मिशिका का भरोसा नहीं है, वो जग जाती है, और जग जाने के बाद क्या सीन होता है, वो दरवाज़ा खोल कर बाहर भी आ जाती है। तो मिशिका का, क्योंकि वो बाहर आ जाती है फिर दिक्कत रहती है। वो आजकल सीढ़ियाँ काफ़ी पहले से चलने लग गई है, पर मुझे नहीं रहता कहीं बाहर आकर ऊपर 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 नहीं चली जाए। तो आपको आज तो हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी हमारी गली भी बन रही है, ये टाइल्स आ गई है गली के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा अभी एक दो दिन में। ये देखो ये टाइल्स आ चुकी है, तो ये गली के लिए आई है, गली में लगेगी, पूरी गली में। ये देखो अंदर काम भी हो रहा है। चीज़ों दिखाती हूँ, यहाँ देखिए गाड़ी गाड़ी है, क्योंकि गली बनने के चक्कर में सबकी गाड़ियाँ यहीं पर लगी हुई लंगर कर कर। और एक अंदर दो जन ने लगा रखी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे ना अभी स्टार्ट होगा। ये देखिए सब ने यहाँ बाहर लगा रखी है लाला का। हम आ चुके हैं दूध लेने,
आंटी कहाँ गाय को रोटी खिला देते हैं प्यारी सी बच्ची को। कितनी प्यारी लग रही है ना, क्यूट सी। अभी मेरे को ना जल्दी जल्दी जाना है। आंटी ले ली है, अब जल्दी जल्दी घर पे जाते हैं और सफाई करते हैं। पहले माता जी को गुड मॉर्निंग कर देते हैं। तो जे हो मेरी प्यारी सी माता रानी, ठीक है ये है। इसकी वजह से आपको ना माता जी क्लियर नहीं दिखेगी, जो मैंने ओम बना रखा है। और ये विंडो ओपन करते हैं। तो मैं ना अभी नहा चुकी हूँ जल्दी जल्दी, और अब बना रही हूँ मैं भोग का और कन्या के लिए सब, मतलब अब खाना बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फास्टली मैं खाना बनाती हूँ आप लोगों के साथ मिलकर। और जस्ट अभी नहाई हूँ, नहा कर आई हूँ, फिर उसके बाद चेंज वेंज करूँगी, फिर माता का भोग लगाना है, जल्दी करना है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ज़्यादा लेट हो गया तो कन्या मिलती नहीं है। लास्ट टाइम पे भी मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, कन्या नहीं मिली, कोई कहीं जा रखी थी, कोई कहीं जा रखी थी। इसलिए मैं जा रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कर जल्दी कर दूँ, क्योंकि आसपास के घर में आती है ना तो उन्हीं को बुला दूँगी और वो लोग जल्दी कर लेते, क्योंकि उनमें दो दो तीन तीन जने तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अब मुझे अकेले सब कुछ करना होता है, ऊपर से आप लोगों को भी बताना होता है, आप लोगों का भी साथ चाहिए होता है, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। तो इस वजह से, क्योंकि मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती ना नवरात्रों में, तो खाना जो सब्जी है वो बिना लहसुन प्याज की बनेगी, और खीर और पूरी फटाफट से बनाते हैं। ग्रीन जो मेरी फेवरेट साड़ी है, जो मेरी बुआ ने दी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी और कंफर्टेबल भी है बॉटल ग्रीन कलर की, तो मैंने वो पहन ली है। और खाना बन गया था, मैंने आधे से आपका इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था कि मुझे किसी का कॉल आ गया था, और फिर मैं लेट हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, फिर मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अब आपको बता देती हूँ क्या क्या बना, क्या क्या हो रहा है। और मीशिका भी जग गई है, तो मीशिका को भी अब नल्ला दुल्ला का तैयार करती हूँ, शशांक का इंतजार कर रही हूँ। शशांक आएंगे तो भोग लगेगा, फिर कंचका जिम आएंगे और कंचका खिलाएंगे, तब आपके साथ खिलाऊंगी। ओके, तो मीशो भी जग गई है, अब इसको तैयार करती हूँ। और आपको बता दूँ, ये मैं ऑयल गरम कर रही हूँ, क्योंकि गरम ऑयल में पूरी जल्दी बन जाती है। ये मेरी खीर बन चुकी है, ये मेरी आलू चने की बिना लहसुन प्याज की सब्जी बन गई है, और ये पूरी का डो लगा रखा है मैंने, जिसमें मैंने कस्तूरी मेथी, अजवाइन, हल्दी, नमक और हल्का सा ऑयल मोमन के लिए मिलाया है।
तो ये पूरी तब बनाऊंगी। अभी 5-6 पूरी अभी मैं बना दूंगी भोग के लिए, 5 पूरियाँ, बाकी एक 5 पूरियाँ, एक हमारे यहाँ पे खांडा जिसे बोलते हैं, आप लोग सबके अलग अलग बोलते हैं, तो खांडे के लिए बनाऊंगी। इसलिए मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ, ऑयल गर्म होएगा जितने मैं मिशिको को नला दूंगी। और चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। के पापा भी आ गए, और शशांक आप नहा लो जल्दी से अपना, मैं कन्या बुला कर लाती हूँ, भोग की बनाती हूँ, भोग देकर फिर कन्या खिलाता है, जल्दी से नहा लो आप, ठीक है? ओ नीचे गिर गया मेरा चार्जर, तो मीशो ओ कर रही है। बाय। किचन में काम करते वक्त कैसे लगते हैं ना, बिल्कुल एकदम मेरी पूरी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल कचौरी जैसी। चलो चलो चलो, ताली बजाना दीन। हाँ माता जी की। जय गणेश श्री गणेश। देखो उसकी मम्मी को क्यों ना भेज देगी, उसकी मम्मी नहीं है उसकी मम्मी को भी नहीं पता क्या है। अगर आए तो भेज देगी। आ जाओ। अभी कन्या पूजन है तो फिर कर रहे सब खाना वाना अपना। अभी कुछ लोग ऐसे जिनको नहीं मिला। देखो अंकल दे रहे सबको। मीशु मीशु खाना खाइए कल। अरे मेरे मुंह में डाल, अपने मुंह में डाल। अच्छे बच्चे। छोटी है ना? छोटी है। तो देखो बहुत लोग आ रखे हैं, खा रहे हैं अपना आराम से। देखो ये देखो जुगु कहाँ रह गया? वो पीछे है। कहाँ आए?
पहले कह रहे थे कि ये लड़का था, पहले लड़का था ये, और अब क्या है? अब लड़की हो गई। ओ मेरी कंचका आ गई और कंचका को जिमा दिया, और अभी हो रही 9:58, और उसके बाद मैं शशांक को थोड़ी देर बाद शशांक का फास्ट खुलवाऊंगी। और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स होती है जब आपके यहाँ कंचका खुद आ जाती है, क्योंकि लिटरली हम आरती कर रहे थे और हमें पता भी नहीं है और कंचका आ गई थी। इनफैक्ट मैं नहीं गई थी कहीं पे बोलने के लिए, मैंने बस बच्चों को कहा था, मैंने कहा मैं पहले आरती उरती कर लूँ, भोग लगा लूँ, उसके बाद बुला कर आऊँगी। पर मैं जैसे ही आरती कर रही थी सारी कंचकाएँ आ गई और एक कंचका रह गई थी जो अभी कर रही है, वो अभी उसको जिमा रहे हैं, बाकी सब खाकर, क्योंकि आज के दिन सब जगह इतना जाना होता है। और पता है लास्ट ईयर तो मेरे को काफ़ी कंचका के लिए परेशान होना पड़ा, पर इस बार कंचका खुद मेरे यहाँ आ गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर अभी अब मैं फ्री हुई है, किचन सबसे लास्ट में साफ़ करूँगी, और आप लोगों से आज मैं डेली डे में मिलती हूँ, क्योंकि आज लास्ट फास्ट है और मैं वन टाइम ही फास्ट खोलती हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे करते हैं कि नवमी के दिन मतलब खा लिया फिर खाते हैं, मतलब दो तीन बार खा लेते, पर मैं एक ही बार खाऊंगी, तो इस वजह से मैं ऐसे टाइम पे खाऊंगी ना कि मेरे को शाम को भी ज़रूरत नहीं पड़े और दिन का भी हो जाए। तो ओके दादा जी के भोग की थाली, और ये मिशी का, उसके पापा की मस्तियां चल रही हैं यहाँ पे किचन में। इसके भी ऑयल लगा दो और अपने भी ऑयल लगा दो। और ये किचन की हाल आप देख ही रहे हो, पहले मैं किचन पूरा साफ करूंगी उसके बाद व्रत खोलेंगे। देखो शशांक बैठ चुके हैं आप व्रत खोलने के लिए। और शशांक तुम्हें इस टी शर्ट के अलावा वो टी शर्ट नहीं मिलती, या आलस आता है कि ये टी शर्ट ऊपर है तो यही निकाल कर पहननी है, और दूसरी टी शर्ट जब तक मैं निकाल कर नहीं दूंगी तब तक पहनोगे नहीं? और ये मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अब हम व्रत खोलते हैं। और शशांक को अभी ऑफिस जाना है, जाना है आपको ऑफिस? बोल लो, मौन व्रत क्यों धारण कर रखा? जाना है, जाना।